हे फेस पेंटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले मैंने जो लिपस्टिक लगाया था उसको हटा लिया है और ब्यूटी प्लानर में जो भी फाउंडेशन बचा था ना उसको बस टैप टैप करके मैं लिप्स में लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोग को लिपस्टिक नहीं लगाना है, राइट। तो अभी मैं ले रही हूँ ब्राउन एंड रेड आई शेडो और हम लोग फेक ब्रूइश और स्वॉलन क्रिएट करेंगे, जो स्टिच करने के बाद होने वाला है, फेक वाला हम लोग क्रिएट करेंगे। और निशान बनाने के लिए ना जहाँ मुझे थ्रेड लगाना है, मैं ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपको लगाना है जैसे कि आप थ्रेड लगाओगे। तो मैं अभी लूँगी थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड और जो डार्कनेस है ना वो जो ब्लैक आई शेडो का थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, हम लोग को इतना डार्क नहीं चाहिए। तो ब्राउन आई शेडो से मैं थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर रही हूँ ब्लैक वाला आई शेडो को। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये थ्रेड और अभी मैं चिपकाऊंगी बाय यूजिंग आई लैश ग्लू। आपके पास आई लैश ग्लू नहीं है तो आप फेबिकॉल भी यूज़ कर सकते हो, बट जो आई लैश ग्लू ना बहुत अच्छी तरीके से ये चिपका देता है, देख सकते हो बहुत जल्दी चिपक जाता है। और इस तरीके से मैं एक एक करके पूरा जो ये थ्रेड चिपका रही हूँ और देख सकते हो हमारा जो लुक एकदम से कम्प्लीट हो चुका है। अभी मैं हैंड फैन से और थोड़ा सा इसको ड्राई करूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ लिक्विड लैटेक्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो फेविकॉल लगा के ऐसे क्रिएट कर सकते हो, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो जो हम लोग फेक वाला जो स्किन क्रिएट करेंगे ऊपर लगा के, फिर देन मैं ये फैन से दोबारा से इसको सुखा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रेड कलर ले रही हूँ और आई के अराउंड थोड़ा सा हम लोग ऐसे क्रिएट करेंगे, जो हम लोग स्ट्रगल किए हैं तो हमारे अंडर आइज़ में थोड़ा सा डार्कनेस आ गया है, क्योंकि कोई हमारा फेस को स्टिच कर दिया है तो बहुत स्ट्रगल किए, उस तरीके का दिखाएंगे। उसके बाद ब्लड जेल लेके मैं जहाँ जहाँ मैंने डॉट डॉट किया था ना वहीं पे ही लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे ही हमारा जो धागा आर पर हुआ है तो वहीं ब्लड निकला है। तो या दैट्स ऑल, हमारा जो ये लुक एकदम कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये वाला लुक आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही ईजी पीजी था, आप ट्राई कर सकते हो इस हैलोवीन। तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट SFX लुक के साथ। बाय गाइज़।